अनीता गौतम, गौतम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जयपुर से। मनोचिकित्सा के क्षेत्र में काम करते हुए जहां हम मरीजों को ठीक करते, वहीं कहीं ना कहीं हमें इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि आज भी मनोविकार को लेकर लोगों के मन में कई भ्रांतियां हैं और लोग डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं। जागरूकता फैलाने का मीडिया से अच्छा तरीका और कोई है ही नहीं, इसलिए मैंने अखबारों में, सोशल साइट्स पे कई आर्टिकल और ब्लॉग लिखने शुरू किए और अब तक 80 से ज़्यादा मेरे आर्टिकल्स और ब्लॉग डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ पेपर्स और डिफरेंट सोशल साइट्स पे पब्लिश हो चुके हैं। मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सम्मिलित किया है। मेरा 150 से ज़्यादा डिफरेंट टीवी चैनल्स पे टीवी इंटरव्यू हो चुका है। हमारे हॉस्पिटल ने 2 मूवी शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, संभलते कदम और भ्रम जाल, जो हम कच्ची बस्तियों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गांवों में इनको दिखाते हैं ताकि नशा मुक्ति के लिए हम लोगों को जागरूक कर सकें, मानसिक रोगों के बारे में लोगों को जागरूक कर सकें। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जो किशोरावस्था में जो लोगों के, बच्चों के मन के अंदर गुस्सा है, सोशल साइट्स पे जो लोगों की फेसबुक की जो लत है उसके बारे में लोगों को जागरूक कर सके, डिफरेंट तरीके से हम जागरूकता का काम करते हैं। मैं इससे जुड़ी और मैंने कहा कि इससे अच्छा तरीका और कोई है ही नहीं, जब मैं लोगों से बात कर सकती हूँ, उनकी समस्याओं को सुलझा सकती हूँ, कहीं ना कहीं समाज के लिए थोड़ा सा मैं कुछ कार्य कर सकती हूँ। धन्यवाद।